67,000 करोड़ ज्यादा के पीरामल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत 1920 में हुई थी, जब पहले वर्ल्ड वॉर के बाद अजय पीरामल के दादा सेठ पीरामल चतुर्भुज मखारिया 50 रुपए लेकर राजस्थान के बागड़ से बॉम्बे आए थे। तो आइए जानते हैं कि 98 साल पहले 50 रुपए में शुरू हुआ पीरामल एम्पायर कैसे 67,000 करोड़ का हो गया और कॉटन, सिल्क, सिल्वर जैसी कमोडिटी का लोकल तरण स्टार्ट किया। 1935 में मखारिया ने उस समय के बिजनेसमैन गोकुलदास से उनकी कॉटन मिल खरीदी। उस समय ये मिल देश की सबसे पुरानी और पहली रजिस्टर्ड कॉटन मिल थी। 1958 में सेठ मखारिया की डेथ के बाद बिजनेस की जिम्मेदारी अजय पीरामल के पिता गोपी कृष्ण के कंधे पर आ जाती है। 1962 में गोपी कृष्ण 1 करोड़ की मॉडर्न स्पिनिंग यूनिट लगाते हैं, दूसरी कॉटन मिल का अधिग्रहण होता है। 1970 के दशक में कंपनी के फाउंडर और दादा के सम्मान में बेटे ने अपना सरनेम मखारिया से बदलकर पीरामल कर लिया। इस दौरान अजय के पिता गोपी कृष्ण मखारिया से गोपी कृष्ण पीरामल हो गए। यही वो समय था जब पिता के बिजनेस में अजय पीरामल ने मदद करना शुरू किया। 70 के दशक में बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए गोपी कृष्ण ने पहले वीआईपी इंडस्ट्रीज और फिर मिरिंडा टूल्स कंपनी का अधिग्रहण किया। 1977 में 22 साल की उम्र में जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट से एमबीए किया, फिर अपने पिता के टेक्सटाइल बिजनेस को पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया। 1979 अजय के पिता गोपी कृष्ण की न्यूयॉर्क में डेथ हो जाती है और जब कुछ समय बाद बड़े भाई दिलीप ने फैमिली बिजनेस का बंटवारा कर लिया। 1980 में बंटवारे के बाद अजय के खाते में टेक्सटाइल बिजनेस और मिरिंडा टूल्स कंपनी ही रह गई। बंटवारे के 16 दिन बाद ही मुंबई की सभी टेक्सटाइल जबरदस्ती बंद करवा दी गई। ऐसा उस समय कई साल चले दत्ता सामंत स्ट्राइक के चलते हुआ था। 1982 में अजय के छोटे भाई की कैंसर से मौत हो गई। इस समय तक अजय के बिजनेस की हालत खराब हो चुकी थी, परिवार में वो अकेले पड़ चुके थे। इन सब के बाद भी 27 साल के अजय ने हिम्मत नहीं हारी। 1984 में गुजरात ग्लास लिमिटेड कंपनी खरीदी। 29 की उम्र में अजय इसके चेयरमैन बने। कंपनी फार्मा प्रोडक्ट के लिए ग्लास मैन्युफैक्चरर करती थी। 1984 तक अजय ने इंडिया में फार्मा सेक्टर का बूम आने का अनुमान लगा लिया था। इसी के चलते उन्होंने टेक्सटाइल से निकलकर फार्मा बिजनेस में एंटर होने का फैसला लिया। 1988 में 6 करोड़ में ऑस्ट्रेलियन एमएनसी निकोलस लेबोरेटरीज कंपनी खरीदी। 1991 मध्य प्रदेश के पीथमपुर में कंपनी ने प्लांट डाला। 1993 में अमेरिकी कंपनी एलर्गन के साथ बिजनेस ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया। इस समय तक अजय कंपनियों के मर्जर और ज्वाइंट वेंचर के एक्सपर्ट्स से हो गए थे। 1994 में डेंटल केयर प्रोडक्ट्स के लिए फ्रांस की कंपनी सेटलेक से एग्रीमेंट साइन किया। 1995 में हैदराबाद की सुमित्रा फार्मा कंपनी को निकोलस पीरामल इंडिया में मिला लिया। 1996 में जर्मन कंपनी बोरेंगर मैनहाइम की इंडिया यूनिट को खरीदा। 2000 में फ्रेंच कंपनी रोन पॉलियोक की इंडिया यूनिट को 236 करोड़ में खरीदा। ये उस समय तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इसके बाद तो जैसे अजय ने कंपनियों के अधिग्रहण का सिलसिला ही शुरू कर दिया था। इस समय तक आते आते उन्हें मर्जर किंग भी कहा जाने लगा। 2001 में पीरामल लाइफ साइंस लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ। 2002 में आईसीआई फार्मा खरीदी। 2003 में साराभाई पीरामल और ग्लोबल बल्क ड्रग्स का अधिग्रहण किया। 2005 में 84 करोड़ में अमेरिकी फर्म द ग्लास ग्रुप का एक हिस्सा खरीदा। 2006 में यूके की फिजर्स मोरपेथ में अधिग्रहण किया। अब होती है बेटे आनंद की एंट्री। 2005 में बेटे आनंद ने पीरामल लाइफ साइंस लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर ज्वाइन किया। इससे पहले आनंद अपने स्टार्टअप पीरामल स्वास्थ्य को देख रहे थे। 2006 में एसएनपी ने पीरामल हेल्थ केयर को ग्लोबल लीडर के तौर पर लिस्टेड किया। 2008 में निकोलस पीरामल इंडिया कंपनी का नाम बदलकर पीरामल हेल्थ केयर लिमिटेड हुआ। 2009 में 88 करोड़ रुपए में यूएस फर्म मिनार्ड इंटरनेशनल आईएनसी के बिजनेस का अधिग्रहण किया। 2009 आते आते पीरामल ग्रुप $1 बिलियन का रेवेन्यू वाला हो गया था। इस समय तक कंपनी इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी थी। 2010 में अमेरिकी कंपनी एबोट लेबोरेटरीज ने पीरामल हेल्थ केयर कंपनी के फार्मा सॉल्यूशन बिजनेस को 17,500 करोड़ रुपए में खरीदा। ये तब की इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की दूसरी सबसे महंगी डील थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक
इस डील में अजय को उस समय की वैल्यूएशन की तुलना में 9 गुना ज्यादा दाम मिला था। उन्होंने इस बिजनेस को 22 साल पहले 16.5 करोड़ में शुरू किया था। 2010 में इसी साल कंपनी ने रियल एस्टेट बिजनेस में भी एंटर किया। बेटे आनंद ने अपनी पीरामल रियलिटी कंपनी खोली। 2011 में वोडाफोन में 11% हिस्सेदारी खरीदी। 2012 में पीरामल हेल्थ केयर का नाम बदलकर पीरामल एंटरप्राइजेस किया गया। 2014 में श्रीराम कैपिटल में 2014 करोड़ में 20% हिस्सेदारी खरीदी। साथ ही श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड में भी 9.99% हिस्सा खरीदा। 2017 में बेटे आनंद पीरामल एंटरप्राइजेस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पीरामल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। 2018 आज के समय में कंपनी 100 देशों के कारोबार कर रही है। इसमें कंपनी का फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ग्लास पैकेजिंग और रियल एस्टेट का बिजनेस शामिल है। कुल मिलाकर 98 साल पहले 50 रुपए में शुरू हुआ पीरामल एम्पायर अब करीब 67,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी पीरामल परिवार की ही बहू बनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।